अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे रेसिपी इज मार्बल केक। और ये केक बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनता है, तो आप लोग इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको एक ग्राइंडर में बना रही हूँ। सबसे पहले इसमें डालूँगी 3 अंडे। अब मैं इसमें डालूँगी 150 ml ऑयल। अब मैं इसमें डालूँगी 12 tablespoons शुगर जो मैंने पीस के रख ली थी। आप लोग चाहें तो घर में जो बगैर पिसी चीनी होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 teaspoon वनीला एसेंस। इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। अब हम ब्लेंडर में इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे 5 मिनट के लिए। अब इसके अंदर से मैं 1/2 cup निकाल लूँगी बैटर जो मैंने बनाया हुआ है। 1/2 cup मैं एक अलग से बाउल में डाल दूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 tablespoons कोको पाउडर और इसे अच्छी तरह से बीट करके मिक्स कर लेंगे। ये हमारा चॉकलेटी बैटर रेडी हो रहा है। इसको अच्छी तरह से फोक की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आती हूँ। 12 tablespoons मैदा लिया है मैंने इसमें, और ये छान लिया है मैंने 102 दफ़ा। इसमें मैंने डाला है 1 tablespoon बेकिंग पाउडर। मैं ऐड करूँगी 2 pinch पिंक सॉल्ट और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस जो बैटर हमारा बचा हुआ है वो इसके अंदर ऐड करके विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। वैसे हमने मैदा अच्छी तरह से छान लिया था, अब बस इसको मिक्स करना है। देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी रिबन लाइक आ रही है। बिल्कुल इस तरह से आप लोगों को इसको मिक्स करना है। अब मैं इसको एक बेकिंग पैन में मैंने बटर पेपर लगा लिया है। चमचे की मदद से मैं इसको 2 से 4 जगह स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से डालूंगी, और जो साइडें जो बचेंगी उसमें मैं डालूंगी चॉकलेट वाला बैटर ना। इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते रहना है 3 से 4 दफ़ा। जब ये हमारा 3 से 4 दफ़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो 3 से 4 दफ़ा इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और जब हमारा सारा बैटर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर टूथपिक की मदद से इसको डिज़ाइन कर देंगे। आप लोग कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने टूथपिक की मदद से एक फ्लावर बना के उसे सर्कल की शेप में मिक्स कर लिया है। देखिए हमारा कितना अच्छा सा डिज़ाइन आ चुका है। अब इसको 30 to 35 minutes के लिए बेक कर लेंगे। देखिए 30 मिनट में मेरा केक बेक हो चुका है अच्छी तरह से। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा केक, और मैंने इसको कट भी करके देख लिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त और स्पंजी बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।